सो भाई फाइनली वाइल्ड ब्रोक पहुंच गए हैं। बोरा सामने जंगल में अभी दिख नहीं रहा है, आज रात का स्टे हमारा यहाँ होने वाला है। और ये जो सामने जंगल देख रहे हैं ना आप, इससे टाइगर की रोर आ रही थी पूरी रात। अभी दो दिन पहले पुरानी बात है। ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी लग रहा है वाइल्ड ब्रोक का, तो रास्ता भटक मत जाना, कभी आओ आगे मत जाना। विंध्यवासिनी से सिर्फ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे ये राइट में वाइल्ड ब्रोक सामने जंगल में यहाँ पर है। सो दोस्तों वेलकम टू वाइल्ड ब्रूक। अभी एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं, आज 13 दिसंबर। मैं और ओंकार भाई अपनी बलेनो कार से पहुंच गए हैं राजा जी के सबसे मोस्ट प्रीमियम मोस्ट पीसफुल मोस्ट वाइल्डनेस कॉटेज वाइल्ड ब्रूक। इसकी किसी को बुकिंग करनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, कितना प्यारा वाइल्ड ब्रूक। आस पास 1-2 गाय दिखेंगी जो की अंधेरा होने से पहले ही चली जाती है। दूर दूर 1-2 घर है, जैसे सामने एक घर है और फिर इसके 2-3 किलोमीटर बाद घर है, फिर सामने यहाँ से विंध्यवासिनी टेम्पल आता। बहुत वाइल्डनेस एरिया है, पूरा फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग या फेंसिंग कुछ नहीं है, रात को लेपर्ड कॉटेज के आगे पीछे से ही घूमते हैं, एलिफेंट भी ज्यादातर ऐसे मूव करते रहते हैं। तो बाकी ओंकार भाई से पूछते हैं कैसा लगा यहाँ पे आके। चलो चेक इन करते हैं, सबसे पहले रूम दिखाते हैं और एरिया दिखाते हैं। अनकट वीडियो है वाइल्ड ब्रूक की। ये इनकी जिप्सी है कुलश्रेष्ठा जी की, पता नहीं चलती है या नहीं चलती है, शायद चलती है। फिलहाल इसको ये यूज करते हैं थोड़ा बहुत सफारी के लिए या फिर ऋषिकेश से सामान लाने के लिए। तो इस तरह के स्टोन के कॉटेज बने हुए हैं, बहुत प्यारे, बहुत ऊंची छत है, इतना पीसफुल, मतलब बिल्कुल जो थीम दी हुई है ना इन्होंने इतनी प्यारी दी हुई है इसकी, मतलब जैसा एक फॉरेस्ट में होना चाहिए। माई काइंड प्रॉपर्टी है भाई, ये देखो रिवर का तो आवाज आती है। अब आप ये बताओ यहाँ पे आके कैसी वाइब्स आ रही है, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कोर डीप फॉरेस्ट में है और जिस तरह का कॉटेज होना चाहिए ना फॉरेस्ट में, उस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है पूरा। अभी हाँ पूरा फ्लो आता है यहाँ पे, चिड़िया बहुत है, बर्ड बहुत है और रात का जो वाइल्ड एक्सपीरियंस है ना नाइट का, वो बहुत प्यारा है, बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस है। चलो यहाँ पे जो केयर टेकर है मैनेजर है उनसे मिल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ही कॉटेज बनाए हुए हैं, मतलब एक कॉटेज ये है, इसमें 2 रूम है, एक उधर एक इधर, एक वहाँ पर है, वहाँ पे भी 2 रूम है, एक उधर एक इधर। पता नहीं कि हमें कौन सा रूम देंगे, जो भी होगा देख लेंगे। ये देखो पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि देखो इन्होंने सबसे पहले वुडवर्क कितना अच्छा, मतलब कि यहाँ पे बैठने का ये सब लकड़ी का इस्तेमाल, जो पुराने फॉरेस्ट की चेयर होती है ढिकाला वगैरह मिल जाती है वो इन्होंने यूज की हुई है। और कुलश्रेष्ठा जी के बारे में बता देता हूँ जो इसके ओनर है, लोग तो इनको जानते हैं पर फिर पॉज करके पढ़ लेना भाई। मैं सुभाष चौधरी यूट्यूबर। चलो पहले तो कोई और था, आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? 1 साल हो गया ना? हाँ क्योंकि मैं पहले भी रुका था जब तक टीवी अलग थी। चलो आप तो उस तरफ रहते होंगे ना, तो गेस्ट का रूम उधर भी है कोई? उधर भी 2 रूम है और इधर भी है। चलो सबसे पहले रूम देख लेते हैं, पहले वो वाले रूम दिखाना। चलो भाई पहले रूम देख लेते हैं और ये बोन फायर का है, रात को अपना बैठते हैं। ये आसपास गाँव से 1-2-4 गायें घूमती रहती है यहाँ पे, कुछ घर की सब्जियां लगाई हुई हैं। अच्छा अभी हुई नहीं है। चलो भाई ये वाली कॉटेज पहले नहीं चलती थी, पहले मतलब खंडर टाइप थी ना, बना दिया इन्होंने ये तो। अरे मुझे तो बहुत साल हो गए। ये देखो ये वाली कॉटेज है, यहाँ से पहले मैं व्यू दिखा देता हूँ, ये अपना बैठने का। ये देखो तो आजकल एलिफेंट कितने दिन हो गए यहाँ पे, आजकल मूवमेंट है आ रखा आसपास? आजकल नहीं है, लेपर्ड तो नॉर्मली रात को आ जाता होगा। परसों आया था ना, परसों जो रुके हुए थे ना सूरज भाटी, वो अपनी वाइफ के बाइक से आ रखे थे, वाइफ के साथ था, यही रुके होंगे। अरे उन्होंने तो पूरे टाइगर की आवाज सुनी ना वो सामने ना पूरे, मैंने उनको बोला टाइगर नहीं लेपर्ड की हो सकती है, टाइगर, उन्होंने बोला टाइगर ही है, फर्क होता है। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा कर रहा होगा है ना, कुछ इस तरह से कर रहा होगा। तो यहाँ इसका मतलब टाइगर है तो आपने कभी देख आता है आपको दिखा कभी या नहीं? हुई रेड टाइगर लेकिन लेपर्ड तो अच्छा, लेपर्ड महसूस करना हो देखना हो तो रात को किस टाइम और किस जगह आता है यहाँ, जैसे अंधेरा होने को चालू, जैसे अंधेरा होता है कॉटेज के आसपास घूमता रहता है ना, कॉटेज के इधर साइड में, ऊपर तो नहीं आता, मतलब ऊपर नहीं, मतलब साइड में। जब जो ये रुके थे ना, जो जिन्हें टाइगर की आवाज सुनी सूरज, ये उस कॉटेज में रुके हुए थे, टाइगर विंडो के पीछे लेपर्ड था, इतना तो घूम लेता है विंडो के आसपास का, विंडो के आसपास तो चिड़िया भी काफी है यहाँ पे आसपास है ना, और जंगली सुअर हो गया, येलो थ्रोटेड बार्किंग डियर हो गया, हाँ वो तो नॉर्मल दिख जाते हैं, और वो दिखता है जैसे वो येलो थ्रोटेड मार्टिन होता है, वो जिसके येलो येलो रहती है वो गिलहरी कूदने वाली, वो कम है, और सांप वगैरह तो दिखते रहते होंगे तुम्हें सब तरह, रैटल स्टेक और कोबरा वगैरह। इसका नाम क्या रखा हुआ इस कॉटेज का? कॉटेज नंबर 5 भाई, ये देख लो ये कॉटेज नंबर 5 है, रूम नंबर 5 है, यहाँ से इस तरह से व्यू आता है दूर से दूर तक का, बिल्कुल कोने में है, एज में है। सबसे पहले मैं इस तरफ से व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा वाइल्ड है इस तरफ, और अभी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये विंडो लग रही है, ईंट से बना हुआ है, देखो रो फॉर्म में जैसा फॉरेस्ट में होता है, नेचुरल है बिल्कुल। इनकी सबसे
सबसे अच्छी बात है भाई इनके बेड, लकड़ी का ऐसा काम रखा। नहीं कौन सी लकड़ी होती है, शीशम है ना, ये देखो। और भाई गद्दे बिल्कुल लग्जरी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले। और ये देखो छत देखो ऊंची है, एसी भी लगा हुआ है, गर्मी में एसी चलता है ना, लाइट आती है तब। जनरेटर है और इन्वर्टर, इन्वर्टर है, लाइट मतलब 24 घंटे चल जाती है। ये देखो भाई कितना सिंपल काम किया हुआ है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह, ये बुक मैं भी लाया हूँ, ये इस पर कुलश्रेष्ठा जी का भी नाम है शायद, है ना, बर्डिंग इन ऑफ दून वैली। ये देखो बाथरूम दिखा देता हूँ, बाथरूम ये है, इसका बाथरूम थोड़ा कॉम्पैक्ट है, पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है, पानी वानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं आपके सामने लाइव भी दिखा देता हूँ, ये तो चल नहीं रहा, इसमें चल रहा होगा, पानी क्यों नहीं चल रहा, खत्म हो गया होगा। देखो भाई मैं बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ जो भी कुछ है। यहाँ विंडो है, मेरे ख्याल से टंकी में होगा नहीं, कर देंगे वो तो इंतजाम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे ये है, यहाँ पे मनोज जी, आपका भी नाम मनोज है, ओनर का भी नाम मनोज है। अच्छा आपका नाम दीपक है, मनोज जी तो ठीक। चलो भाई ये वाली कॉटेज मैंने आपको दिखा दी है, पानी की टेंशन मत लेना, वो तो इनकी जिम्मेदारी है, जब आप आएंगे तो आप पहले मिलेगा। इसमें तो खैर कोई, अभी लाइट बंद कर दे। तो भैया बोल रहे हैं पानी आ रहा है, वो मैंने कुछ पूरा गलती कर दी, ये घुमाया नहीं है, पानी आ रहा है भाई। ये अमरूद का पेड़ है, शायद अभी अमरूद आए नहीं है। चलो हम अपना रूम भी देख लेते हैं, ये शायद मोर बोल रहा है। हाँ ऊपर वो रे देखो मोर है भाई, कितने बड़े बड़े मोर हैं कॉटेज के पीछे ही हैं। चलो अब मैं ये वाला कॉटेज दिखाता हूँ अपने फेवरेट, इसमें पहले भी रुका हूँ, इसके रूम काफ़ी बड़े हैं और यहाँ से भी इस तरह से भी आता है। वाह 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 मज़ा आ गया, इसकी छत और भी ऊँची है, रूम काफ़ी बड़ा है, इसमें डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज़ पता है, ये इतना ठंडा, गर्मी में भी इतना ठंडा रहता है ना, ये जो आप दीवारें छुओगे ना इतनी ठंडी होती है ना पत्थर की, और ये ईंट का बहुत प्यारा काम है भाई, मज़ा आ जाता है यहाँ पे सो के। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस यहीं का ही है, कॉर्बेट के सारे रिजोर्ट एक तरफ, राजा जी के सारे रिजोर्ट एक तरफ, और ये अकेला रिजोर्ट कॉटेज बहुत एक तरफ। और ये देखो भाई बाथरूम, बहुत बड़ा बाथरूम है, यहाँ की पानी चेक कर लेते हैं, शायद इसमें आएगा, आ रहा है। ये भी देखो वुड का है पूरा, विंडो है, यहाँ से लेपर्ड की आवाज़ आती रहती है। ठीक है भाई, बहुत प्यारा काम इन्होंने करवा रखा है। टीवी वगैरह नहीं है, जो कि नॉर्मली फॉरेस्ट जो वाइल्डनेस कॉटेज होते हैं उनमें नहीं होता है, एंटरटेनमेंट का कोई ऐसा साधन नहीं है। और बेड बहुत बड़े हैं, और इनका जो मैट्रेस है बिल्कुल लग्जरी वाले हैं, ये देख लो पूरा स्प्रिंग वाले। आप कहीं भी रहिए सोइए, मज़ा आने वाला है भाई। ठीक है, यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी, अगर किसी को ये बुक करना है ना तो भाई डिस्क्रिप्शन से बुक कर सकता है मेरे थ्रू, और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूंगा, वो शायद स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा हो। ये वाला रूम भी देख लेते हैं, अरे ये तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना कॉटेज है, 24 साल हो गए होंगे। सबसे अच्छी चीज़ें इन्होंने बहुत रो फॉर्म में बनाया हुआ है जैसा होता है ना। अच्छा एक रूम ये है, अरे वाह एक रूम ये है भाई, ये देखो डिज़ाइनर बेड है, इस तरह से लकड़ी से बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, ये लकड़ी से बने हुए हैं पूरे, देखो ना कितनी सुंदर लुक आ रही है। गर्मी तो यहाँ लगती नहीं है गर्मी में भी, और सर्दी में थोड़ा गर्म रहते होंगे, इतने ठंडे भी नहीं रहते। और ये देखिए बाथरूम बहुत पीसफुल है भाई, मतलब मज़ा आ जाता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं जंगल में, और बिल्कुल वाइल्ड एरिया में। हाँ अपनी कार वहाँ पर पार्क है इस कॉटेज के पीछे। चलो ये दो रूम भी देख लेते हैं इस वाले कॉटेज में, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है जहाँ कार पार्क है। ये सुभाष चौधरी के यूट्यूब चैनल की वीडियो है भाई, इसमें आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आज से पहले किसी ने वैली ब्रू इस तरह से दिखाया भी नहीं होगा। तो टोटल यानी कि आपके पास 5 कॉटेज हैं ना, इसका नंबर क्या है, 6 कॉटेज हैं, ये कौन सा, ये 3 नंबर है, 1 नंबर कौन सा है, वो तो 5 बताया था आपने। अच्छा वो 1 है, 2 है, 3 और ये 4 है, लाइन से है, और 5वां वो है जिसमें हम गए थे, और छठा कौन सा है, अच्छा उसके पीछे भी है, वो तो देखा ही नहीं यार, वो भी देखेंगे। तो भाई ये बिल्कुल सेम वैसा ही कॉटेज है जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर दिखाया था अभी, जो बड़े वाला रूम था जिसमें मैं रुका हूँ पहले भी। वाह क्या खुशबू आ रही है, कितनी शांति है। ये तो भाई ऐसी चीज़ है कि आप अपना बुक लेके आओ, रुको 2-4 दिन, मेडिटेशन करो, अपना शांति में, शांति बहुत है यहाँ पे, है ना। और यहाँ तक आने में थक जाता है, और फिर खाना खाता है तो बहुत उसको इतना अच्छा लगता है भाई। सिंपल है यहाँ पे, खाना भी बहुत अच्छा है, सिंपल है, और फालतू की चीज़ें नहीं है। ये देखो अपना आराम से यहाँ पे बैठो, ये देखो वाह। चलो इस रूम को भी देख लेते हैं, ये बिल्कुल 4th नंबर है जो कार पार्क है ना, दिखा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये कार पार्क है अपनी, सबसे पहले जो है ये 4th नंबर है, 4321 ऐसे हैं। चलो अब आप देख लेना जो बुक कराना हो अपने हिसाब से नंबर भी। ये देखो यहाँ पे एक सिर्फ डबल बेड है, एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बीच अगर कोई आता है तो आप कर देते हो इंतजाम, है ना, कर फोल्डिंग वगैरह होंगी आपके पास। ये स्टडी टेबल हो गई है, वाह सेम बाथरूम इस तरह से, ये देखो ऊपर से रोशनी आने का। ठीक है, गर्म पानी का क्या सिस्टम है,
आप करके देते होंगे ना, बाल्टी में देते हो ना? बाल्टी में। चलो ठीक है। हाँ भाई, गीजर वगैरह नहीं है, बाल्टी में करके दे देते हैं गर्म पानी। और बाकी इसमें आपका जैसे वो रहता है, लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, और थोड़ा इवनिंग स्नैक्स रहता होगा ना, फिर बोन फायर वगैरह करा देते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी तो बने रही है भाई सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में, आप हम यही हैं आज रात, तो आपको पूरा कंटिन्यू देखने को मिलेगा ये ब्लॉग। इवनिंग भी दिखाएंगे यहाँ की, नाइट भी दिखाएंगे, और अर्ली मॉर्निंग भी शो करेंगे। यहाँ पे सुदेश भाई हैं, दीपक भाई से मिलवाया था, तो ये बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आइडिया काम करता है, जियो जियो काम करता है, नेट भी चल जाता है। यूट्यूब वीडियो कैसे चलती है? ये वो नहीं चल पाती, सिर्फ व्हाट्सअप चलता है, चलती है ना? चलो भाई बढ़िया, यूट्यूब वीडियो भी चल जाती है, यानी कि ठीक स्पीड आ रही है जियो की, अभी तो फिलहाल आ ही रहे हैं। चलो सामान निकाल लेते हैं कार से, सेटल डाउन होते हैं अपने रूम में। भाई देखो मेरी कार का नंबर प्लेट का क्या हाल हुआ है, पूरा आगे आ गया है, क्योंकि पानी बहुत था ना। ये देखो कैसे मुड़ गई, ये चिपकी हुई थी पूरी, मुड़ गई, अच्छा टूटने से बच गई। बहुत खतरनाक प्रेशर था पानी का, मतलब कि मैं बताऊं टायर पूरा डूब गया था, पानी यहाँ तक था, यहाँ तक लिटरली। तो ठीक है भाई, ये अपना रूम है, और ये फोर्थ नंबर में हम रुके हुए हैं, अभी चलते हैं सिक्स नंबर का रूम दिखाने। लाइटें वगैरह बंद कर देता हूँ इसको भी, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस कि यहाँ पर एनर्जी खर्च हो, मैं हमेशा सेव करता हूँ ऐसी चीज़ें। गेट कर देता हूँ बंद, सिक्स नंबर रूम दिखाता हूँ आपको। ओंकार भाई यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना रात को, पूरा मतलब ऐसे लेपड़ ऐसे आता है चल के, ऐसे कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी, बिल्कुल ओपन है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सुभाष चौधरी, तो सिक्स नंबर दिखाएंगे, ये तो फिफ्थ नंबर था। सूरज भाई आप भी देख रहे होंगे, आप इसमें रुके थे फिफ्थ नंबर में, भैया ने बताया, जिससे पूरा रिवर व्यू आता है, ये सिक्स नंबर है। जो ओनर है कुलश्रेष्ठा जी, वो कहाँ रुकते हैं? इसी में रुकते हैं। चलो बढ़िया भाई, आज तो खैर ओनर जो कुलश्रेष्ठा जी हैं वो रुक रहे हैं। ये देखो ठीक है, गद्दों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई, गद्दे बहुत प्यारे लगा रखे हैं इन्होंने, 8 इंच के हैं ये स्प्रिंग मैट्रेस। इस पर तो लेंटर है खैर, और वही दीवारें देखो कितनी मोटी मोटी हैं, पुस्ते वाली, कितने मोटे मोटे पत्थर की बनी हुई है। ये देखो बिल्कुल नेचर फॉर्म में, लाइटें बहुत प्यारी लगती हैं ये वाली, यहाँ पे येलोइश, बहुत बढ़िया। यहाँ से विंडो से व्यू देख लेते हैं कैसा आता है, अगर खुल जाए। चलो विंडो नहीं खोलते, यहाँ से इस गेट से खोल देखते हैं। वाह बहुत बढ़िया है, फुल वाइल्डनेस। ये देखो यहाँ से ये व्यू आ रहा है, यहाँ पे बैठो अपना, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे है ना, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग कितनी चिड़िया बोल, सबसे ज्यादा चिड़िया का बोलती है मॉर्निंग, जैसे दिन निकलता है 7 बजे 8 बजे, बहुत बहुत 9 बजे तक, हर तरह की चिड़िया आती होगी ना। वैसे इंडियन वेवर काफी कॉमन है यहाँ पे, है ना, पानी की आवाज आ रही है मंद मंद। वो देखो छोटी सी चिड़िया, वो देखो छोटी सी चिड़िया, भाई ये देखो, ये बाथरूम है इसका, ये कॉम्पैक्ट बाथरूम है, जैसा 5 नंबर में ऐसा ही 6 नंबर में है। गीजर, इसमें तो गीजर लगा हुआ है, खैर 2 गीजर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट टूर दे दिया है, एक भी रूम नहीं बचा है, 6 के 6 रूम आपको दिखा दिए, पूरा सराउंडिंग दिखा दिए। अभी सामने किचन में वो लोग अपने लिए लंच तैयार कर रहे हैं, अभी लंच की भी लंच दिखाते हैं कैसा लंच है, और जब तक आराम करते हैं भाई अपने कॉटेज में। वैसे तो धूप सेकने में आनंद आ रहा है, काफ़ी अच्छी धूप निकली है यहाँ पे, कुछ देर हो रहा है, 1-1.5 घंटे में धूप चली जाएगी फिर। मज़ा आ गया, 1 हफ्ता लगातार टूर है, हो सकता है कल हम मोतीचूर की सफारी करें, फिर परसों जिस दिन मेरा बर्थडे है 15 तारीख को मोहंड की सफारी करें, और फिर अगले दिन 16 में हम निकल जाएंगे रथवा ढाब की तरफ। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उस दिन अर्ली मॉर्निंग में देहरादून से निकल गया हूँगा। ये वीडियो आप देख रहे होंगे शायद 8 बजे सुबह, और या फिर 17 को, देखते हैं इसके कितने पार्ट बनेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 20-20 मिनट की वीडियो बने, 15-20 मीनिंगफुल वीडियो हो, ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक हो रही है, और अच्छे से वीडियो आएगी। थोड़ा सा मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, चिड़िया की आवाज़ सुनाता हूँ। अरे वाह, ठीक है दोस्तों, अभी मैं बेड पे हूँ और अपना रिलैक्स कर रहा हूँ, और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब यहाँ पे लंच आएगा। ठीक है, अभी सोता हूँ थोड़ी देर, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।